हाँ तो यस को सेलेक्ट करके और सबमिट कर देते हैं। तो हे इन लोगों का स्वागत है कोने वीडियो में। गाइस आज की वीडियो में मैं एक प्रैंक करने वाला हूँ कि मेरे पास 30 रुपीज का एड्रॉप है। मस्त प्लान है। आपके साथ भी काफी टाइम ऐसा होता है कि 30 वाला एड्रॉप आता है या 80 वाला एड्रॉप आता है जिसमें काफी सारे अच्छे अच्छे बंडल होते हैं और सबसे बड़ी बात 300 डायमंड होते हैं भाई। पैसा ही पैसा होगा। आज हम लोग ऐसे करने वाले हैं, आज हम लोग लेने वाले हैं वो एड्रॉप को फ्री में परचेस। और जैसे कि गाइस मेरे में एड्रॉप आया ही नहीं है, मैं प्रैंक करने वाला हूँ और देखते हैं मेरे को कोई ट्रिक पता चलती है कि नहीं। तो देखते हमारे फ्रेंड लिस्ट में कौन उसको बुलाते हैं। हेलो सीजू। हाँ बोलो। जो मेरे अकाउंट में ना 300 रुपए वाला एड्रॉप आया है और उसमें है काफी सारे अमेजिंग बंडल। चल झूठ। उसमें साथ में 300 डायमंड भी है। ओ तो उसे निकाल लो ना। मैं गरीब हूँ। अरे पर मेरे पास पैसे नहीं है ना। पैसे नहीं है? पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। छाती फोड़। अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम जानते हो उसके अंदर 300 डायमंड है, साथ ही साथ में उसके अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे बंडल से थे। तो क्या तुम मेरी मदद करो ना, क्योंकि ये जो एड्रॉप है ना वो 10 मिनट में चला जाएगा। अच्छा सिर्फ 10 मिनट में चला जाएगा वो? हाँ 10 मिनट में चला जाएगा ना, फिर 300 डायमंड भी चले जाएंगे। ओ अच्छा, लेकिन मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है। तुम्हारे पास एक ट्रिक है? हाँ पक्का ना, उससे मैं फ्री में ये एड्रॉप परचेस कर लूंगा ना। हाँ पक्का। अरे बाबा। ओ तो बताओ जल्दी बताओ क्या करना है मुझे। एहे, रहा नहीं जाता। तो सबसे पहले तुम जाओ प्ले स्टोर पे। ओके मैं जा रहा हूँ प्ले स्टोर पे। ऐसे ओके प्ले स्टोर पे जा रहा हूँ मैं। प्ले स्टोर पे गया। हाँ और वहाँ पे लिखो गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। गूगल ओपिनियन रिवॉर्ड। अच्छा रिवॉर्ड लिख दिया मैंने। यहाँ के एप्लीकेशन आई है। हाँ तो वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। ओके मैं इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया। इंस्टॉल हो रहा है। इंस्टॉल हो गया वो? हाँ हो गया ना, तो अब उसे ओपन कर लो। ओके स्कैन कर रहा है, मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं एप्लीकेशन के अंदर आ गया। हाँ तो वहाँ पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। ओके गेट स्टार्टेड पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है तो अब उसमें शो कर रहा होगा ओपिनियन रिवॉर्ड, फिर नीचे लिखा होगा गूगल प्ले बैलेंस, उसमें कितना शो कर रहा है? इधर मेरे गूगल प्ले बैलेंस में 0 रुपीज है। अच्छा तो उसके नीचे देखो माय टास्क में वहाँ पे सर्वे है क्या? सर्वे नो सर्वे एट दिस टाइम, कोई सर्वे आया नहीं मेरे को अभी तक। कोई भी सर्वे नहीं है? नहीं है। अरे वो एप्लीकेशन में तो कोई सर्वे अर्वे दिया ही नहीं और अभी सिर्फ मेरे पास 9 मिनट बचे हुए हैं। अरे कुछ करो नहीं तो 9 मिनट में 300 डायमंड और बंडल चले जाएंगे। अरे सिर्फ 9 मिनट बचे हैं? हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, मेरे पास वो एप्लीकेशन से भी अच्छी एप्लीकेशन है। कि रुको मैं उस एप्लीकेशन में जाती हूँ। और मैं उस एप्लीकेशन में गई और उसमें शो कर रहा है ऊपर ओपिनियन रिवॉर्ड और मेरा गूगल प्ले बैलेंस है $0.45। हाँ तो ये जो डॉलर है वो बाद में इंडियन रुपीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसका टेंशन नहीं लेना है। और मेरे जो माई टास्क में शो कर रहा है उसमें सर्वे अवेलेबल है। हाँ अरे तुमको सर्वे मिल गया, मुझे तो सर्वे मिला ही नहीं था। हाँ तो तभी तो बोल रहे हैं ये उससे भी ज्यादा अच्छा एप्लीकेशन है। तो मैं इस पे स्टार्ट सर्वे पे क्लिक कर देती हूँ। हाँ? और इसमें बोल रहा है इफ यू रीड केयरफुली देन चूज नो ऑप्शन, तो मैं नो ऑप्शन को क्लिक करके और सबमिट पे क्लिक कर देती हूँ। okay. हाँ तो इसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं डज फ्री फायर लॉन्च इन 2017। अरे हाँ फ्री फायर लॉन्च तो 2017 में ही तो हुआ था। हाँ तो यस को सेलेक्ट करके और सबमिट कर देते हैं। उसके बाद ये पूछ रहा है इज फ्री फायर ओन्ड बाय गरीना। गरीना फ्री फायर? यस कर नो होगा। गरीना फ्री फायर ही होगा। गरीना फ्री फायर ही होगा क्या? नो क्यों होगा, गरीना फ्री फायर ही तो बोलते हैं ना लोग उसको। ठीक है तो यस कर देते हैं। ठीक है तो अब बोल रहा है इस डायमंड बिलोंग टू फ्री फायर। अरे हाँ डायमंड तो भाई फ्री फायर में तो होते हैं। हाँ तो वो यस पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। okay. और अब पूछा है डू यू प्ले फ्री फायर, तो ये यस पे क्लिक कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। अभी हम लोग फ्री फायर तो खेलते हैं। हाँ तो वो यस पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। हाँ. अब बोल रहा है डू यू एवर टॉप अप इन फ्री फायर। तुमने तो किया, मैंने तो बिल्कुल नहीं किया। तो यस पे क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। okay. अब मेरे को मिल चुके हैं $0.55। ये क्या बात करता है यार, $0.55। क्या बोला तूने?
और इसमें नीचे शो कर रहा है योर क्रेडिट्स विल एक्सपायर ए ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब एक साल के अंदर अंदर ही एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन मुझे तुम्हें अभी देना है तो मैं अभी तुम्हें दे देती हूँ। तो मेरे पास पूरा $1 हो चुका है, तो अब मैं इसे क्लेम कर सकती हूँ, तो मैं इसे क्लेम कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे रिडीम कोड शो कर रहा है, उसे कॉपी कर लेती हूँ और मैं इसे तुम्हें, हाँ अब मैं तुम्हें इसे सेंड कर देती हूँ। गेम में सेंड कर दो, गेम में। ओके, तो मैं तुम्हें ये सेंड कर देती हूँ, ये पेस्ट और सेंड। अरे हाँ, रिडीम कोड दिख रहा है, यही वो रिडीम कोड है जो जहाँ वो तुम्हें मिला ये। हाँ, तो अब जाओ और इसे रिडीम कर लो। मैं इधर से कर लेता हूँ कॉपी और मैं अभी इसको फटाफट रिडीम करता हूँ। ओके, तो गाइस उसने बोली कि उसने हमें रिडीम कोड दिया है, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। तो रिडीम कोड को रिडीम करने के लिए प्ले स्टोर पे जाता हूँ मैं जा रहा हूँ प्ले स्टोर पे, ये रहा मेरा प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर पे जाने के बाद यहाँ है पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन, तो पेमेंट एंड सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ रहा रिडीम कोड, रिडीम कोड पे क्लिक एंड लोडिंग ले रहा है। और ये रहा तो पेस्ट, और यही वो रिडीम कोड है जो सिजु ने दी हमें, देखते हैं ये क्या ये काम करता है। तो रिडीम पे क्लिक किया और 79 rupees का रिडीम कोड, वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। मैंने तो उसको बताया नहीं कि हम लोग ने उसके साथ प्रैंक किया, मेरे को तो कोई एयरड्रॉप भी नहीं आया। मैं तो खाली आप लोग के लिए कि कभी ऐसा सिचुएशन ना आए, तो इसके लिए कोई ट्रिक पहले ही ढूंढ कर रख लेते हैं कि कभी आपके पास एयरड्रॉप आए तो आप ले पाओ फ्री में। ओके, तो मैं फटाफट क्लेम कर लेता हूँ, तो उसको फटाफट इन्वाइट करते हैं। हम ऑनलाइन ही है। हेलो चीजू। हाँ बोलो। अरे वो तो 79 rupees का रिडीम कोड था, तुम तो $1 बोल रही थी। हाँ, क्योंकि $1 की वैल्यू अपने इंडिया में 79 rupees है ना, इसलिए। अच्छा ये बात है क्या, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं था वो 79 rupees, मेरे को लगा वो 1 rupee का रिडीम कोड है। पर मुझे मिल चुके फ्री में 79 rupees। मैं पूछ रहा था ये एप्लीकेशन डाउनलोड कहाँ से करना है। नहीं, तुम्हें जब भी जरूरत हो तो मुझे बोल देना, मैं तुम्हें रिडीम कोड दे दूंगी। अरे बता दो ना ये मेरे को एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करते हैं, क्योंकि ऐसे काफी लोग होते हैं ना जिनके अंदर एड्रेस आता है पर वो परचेज नहीं कर पाते हैं। तो अगर तुम मेरे को बता दोगे तो मैं अपने सब्सक्राइबर लोगों को बता दूंगा। नहीं, अगर तुम्हें चाहिए ये एप्लीकेशन तो